देह व्यापार के आरोप में साहिबगंज मंडल कारा में बंद एक महिला की शनिवार की शाम मौत हो गई। मृतका महिला हेमंती देवी मिर्जा चौकी की रहने वाली बताई जाती है। पुलिस ने बीते 31 मार्च को लोहंडा के एक घर से देह व्यापार के आरोप में हेमंती देवी सहित चार महिला को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। बताया जाता है कि शनिवार की देर शाम जेल में हेमंती देवी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। तबीयत बिगड़ने पर उसे सदर अस्पताल साहिबगंज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं मामले में मृतका की बेटी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उसकी मां की मृत्यु जेल में ही हो गई थी, परंतु पुलिस मामले में खुद को बचाने के लिए झूठा बयानबाजी कर रही है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम है दिलीप कुमारी। क्या हुआ है, घटना बताइए, कैसे? घटना क्या हुआ है, क्या मेरे मम्मी को जुर्म के फंसा दिया है? अच्छा। वीडियो वायरल करके छोड़ दिया है। अच्छा। गरीब आदमी थे हम लोग, सर कोई ऊपर मेरा सहारा नहीं है, सिर्फ ये था मेरी माँ था बस। और क्या मेरा मम्मी को जेल में आत्मा दिया है, ये लोग बता रहा है क्या यहाँ हुआ, यहाँ नहीं हुआ है सर, जेल में आत्मा दिया हुआ है। कहाँ मम्मी डेट की है? मम्मी डेट की है जेल में सर। अच्छा। और जेल वाला सब आदमी मिला हुआ है, सोच रहा है इसके ऊपर कोई नहीं है, चलो कोई नहीं, लोग फंसने का डर से सर मेरे मम्मी को हॉस्पिटल आने के धर दिया है। और कोई जांच पड़ताल कुछ नहीं था सर। अभी हम गए सर के पास, जीएसपी सर के पास सर, तो अभी वही सर मेरा गौर लगते वही मेरा भी हेल्प किया है, तो सर अभी सब कोई आया, तो मेरा मम्मी को कोई छूने तक नहीं आ रहा था सर। और ये माँ का मेरा मम्मी का, जब ये लोग को जब हिफाजत करने का नहीं होता है तो क्योंकि भला अच्छा आदमी को ये लोग करता है जेल में। और सर हम मम्मी को मिल के आए सर, दूसरे नेचर हो रहा है, गए थे मम्मी से मिलने के लिए, अगला सनीचर को गए, उसके बाद जब गए थे मिलने के लिए मम्मी से हम, तो मिले तो मम्मी बहुत अच्छी थी, बात बहुत अच्छी से करती थी, बोली थी कोई कालवा देने, बहुत अच्छी से बात की। उसको हम खाना अथी छठ किए थे चैती का, तो प्रसादी दिए थे मम्मी को, तो मम्मी मेरी खाई थी, मेरी मम्मी बहुत खुश भी थी। अब बोली थी कोई कलवा भी दो, 500 रुपया भी दिए थे पर मम्मी को। तो हम आए वहाँ से, तो अगला भी उस सनीचर पा गया, तो हम सोचे 8 दिन में मुलाकाती होता है, तो उस सनीचर को गए हम भेंट करने के लिए मम्मी से, तो क्या बोला कि अभी मुलाकाती नहीं होगा जब 16 दिन पूरेगा तब। तो उसके दिन से मेरी मम्मी से कोई मुलाकाती कोई बात नहीं हुआ सर। और डायरेक्ट हम लोग को पता चला कि मम्मी डेट कर रही है, और ये डेट मई हुआ है। और मेरा मम्मी का, मेरा मम्मी आत्महत्या नहीं किया है, कोई इसमें साजिश है मेरा मम्मी को मारने का। आत्महत्या के बाद कौन बोला है आपको कि आत्महत्या की है? कोई नहीं बोला है, मगर इसी तरह सबको मतलब ये हो रहा है, मगर मेरा मम्मी ये हो रहा है, मेरा मम्मी को कोई आत्महत्या कर दिया है, मेरा मम्मी को कोई साजिश इसमें है। जे मेन आदमी है मेरा मम्मी को पहचाना का, ऐसा हमने ऊपर कोई नहीं, मेरा छोटा सा भाई हमें, मेरा बाप तो है नहीं सर, मेरा दुनिया में कोई नहीं, जो हम ही दुर्भाग्य में, तो क्या करेंगे सर, कोई दुश्मन इस फंसा दिया जो मैंने है वो हम लोग को पता ही नहीं चल रहा है। अब मेरा मम्मी को लगता है कि मेरा मम्मी को पता चला है, लगता है भाई मेरे मम्मी को मरवा दिया है, वही किया है इसीलिए ही है। तो आप क्या चाहते हैं अभी? हम चाहते हैं सर, हमको इंसाफ चाहिए और हकीकत, जो मेरा मम्मी को मारा है वो चाहिए। हॉस्पिटल कब लेकर आए आप लोगों को सूचना कुछ? हाँ, 4 बजे सुबह। 4 बजे तो उस समय आप लोग आए थे हॉस्पिटल? जी, हम लोग 7 बजे पता चला है सर, हम लोग 7 बजे दौड़ ले आए। अच्छा, हॉस्पिटल जब लाया था तो क्या बोल रहा है डॉक्टर? डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं, डॉक्टर कोई से को कोई पता नहीं, सोच रहा है मेरे ऊपर कोई नहीं तो कोई पता नहीं, डॉक्टर क्या बोला है, लगता है डॉक्टर को भी घुसू दे दिया, क्या पता नहीं सर। डॉक्टर क्या बोला कि ऐसा डेट हुआ है, मगर ऐसा डेट नहीं हुआ है, जेल में। ये बात कौन बोला है? कौन सर बोला है? डॉक्टर बोला है, डॉक्टर बोला है, सुने कोई लेडी सर बोल रहा था, कोई लेडी चल गया, कौन चीज क्या क्या बोलता है सर, मगर हमें 100% बता सकते हैं सर, मेरी मम्मी बहुत अच्छी थी, तंदुरुस्त, जो मेरे मम्मी को जेल किया है हम उस सर से भी पुरवाएंगे, मेरी मम्मी बहुत अच्छा बोल रही थी, हंस रही थी, सब अच्छा, मेरी मम्मी बोली हमको जब बेटी हमको कर नहीं तो डर क्या है, मेरी मम्मी हमको बोली कि हकीकत सामने आने, मेरा मम्मी सोचा कि मेरी मम्मी हकीकत सामने आ गया होगा, मेरी मम्मी जान गई होगी कि यही आदमी हमको फंसाने वाला, बस उसको अथी करवा के मरवा दिया सर, कि नहीं मेरी मम्मी जिंदा रहेगी, नहीं हकीकत सामने आएगा, इसमें सर जेल वाला के भी हाथ है, कोई घुस दिया है। कल शाम को हमको घटना का जानकारी जो कारा अधीक्षक हैं उनके द्वारा दिया गया, एक महिला कैदी हेमंती देवी जो 31 मार्च को जेल में लाई गई थी, जो प्रथम दृष्टया सूचना मिली है उसके अनुसार
पिछले कुछ दिनों से उनको इन्फेक्शन की बात कही जा रही है और सामने आई है। कल रेगुलर जो हम लोग मेडिकल जांच जेल में कराते हैं डॉक्टर के द्वारा, तो डॉक्टर जेल में गए थे, उन्होंने कुछ प्रिस्क्राइब करके मेडिसिन लिखी थी और जो अब तक सूचना मिली है उसके अनुसार उनको मिर्गी का कोई दौरा आया और उनको सदर अस्पताल ले जाया जा रहा था और जब अस्पताल पहुँचे तो जो डॉक्टर ड्यूटी पे थे उन्होंने उन्हें मृत घोषित किया। इस घटना के तुरंत बाद हम लोगों ने जो संबंधित जुडिशियल के जो CGM हैं, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, हमने उनको फोन कर दिया है। साथ ही साथ विद इन 24 आवर, क्योंकि कस्टोडियल डेथ का मामला बनता है, हमने NHRC जो है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, उनके भी सचिव को इस सूचना का इसके बारे में सूचना दे दी है। साथ ही साथ जैसा कि प्रोसीजरल है कस्टोडियल डेथ में इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी, हमने जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं उनसे रिक्वेस्ट किया है कि इसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट नियुक्त करके उनसे जुडिशियल इंक्वायरी की जाए और इस घटना का क्योंकि पोस्टमार्टम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में किया जाना है तो वो भी हम लोगों ने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो जिला में है महिला एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को लगाई थी और मेडिकल की टीम बनाकर 3 डॉक्टर जिसमें 2 महिला शामिल थी उनसे मेडिकल बोर्ड के द्वारा पोस्टमार्टम कराया गया है। जो भी प्रोसीजरल है कस्टोडियल डेथ में वो सारे अपनाए गए हैं। अभी क्योंकि जुडिशियल इंक्वायरी है और हम लोग अपने भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से इंक्वायरी कराएंगे, सब डिविजनल ऑफिसर उसमें इंक्वायरी करेंगे, SDO साहिबगंज उनसे भी हम जाँच कराएंगे और जो भी चीज़ें हैं सामने आएंगी। अभी यही लग रहा है कि उनको जो बताया गया है कि मिर्गी का दौरा है उससे उनको मृत घोषित किया। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।